नेशनल का स्वागत है आप लोगों का खेल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो क्लास 12 साइंस वाले स्टूडेंट के लिए है, उनके लिए मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में रखा हूँ जो कि आज वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर है, आम के फल में खाने वाला भाग है क्या उसे हम कहते हैं? ठीक है, मध्य फल भित्ति कहते हैं, बाह फल भित्ति कहते हैं, अंतः फल भित्ति कहते हैं। चार ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मध्य फल भित्ति। ठीक है, दूसरा यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो समसूत्री विभाजन होता है यह किसमें होता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होता है काय की कोशिका में होता है, जनन कोशिका में होता है, या फिर दोनों में होता है, या फिर इनमें से कोई में नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो पहला ऑप्शन सही है, काय की कोशिका में होता है, ऑप्शन पहला इसमें सही हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर है, वीना निषेचन की फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, जैसे कि वीना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए चार ऑप्शन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, पॉलीकार्पिक कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, और पोमोकार्पिक कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा आपका पार्थेनोकार्पिक। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर मैं जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना, जहाँ पर भी देखने को मिलता है डायरेक्टली आप टिक करके आना। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने का मतलब यह होता है बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन जो है तैयार भी हो जाते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? दिया है पक्षी, मेढक, स्तनपाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा चौथा का देखेंगे तो इसका जो होगा मेढक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बी वाला इसका भी सही हो जाएगा, इसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। अब देखिए फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, द्विखंडन एक प्रकार का है, क्या है द्विखंडन? दिया गया काय की प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये चार ऑप्शन इसमें देखने को मिल रहा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा आपका दूसरा वाला। ठीक है, बी ऑप्शन अलैंगिक जनन राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन दूसरा ही सही है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, छठे में देखने को मिल जाएगा, इनमें कौन अंडज है? दिया गया है इनमें कौन अंडज है पूछ रहा है। ठीक है, तो दिया है एकिडना और कंगारू गाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये होगा एकिडना। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इनमें से पूरे जीवन में एक बार ही पुष्पित होते हैं, जैसे कि बांस, आम, ताड़, इनमें से कोई नहीं। कौन सा पौधा है जो पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित हो यानी कि फूलता है, मतलब फुलाता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसका जो ऑप्शन है ये बांस वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, ऐसे सारे बहुत ही मजे वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है, आठवां क्वेश्चन देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन द्विगणित है? दिया गया पराग अंड, ए मतलब ए बी दोनों दिया है, फिर युग्मन युग्मनज दिया है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आठवा का? तो जो युग्मनज है वो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला, इनमें से कौन सा द्विगणित है, तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब देखिए नवा क्वेश्चन क्या देखते हैं, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? दिया गया है किस फल का बीज चोल खाया जाता है, नौ क्वेश्चन है, शरीफा, लीची, जायफल, इनमें से सभी, मतलब यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा इसका? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ये आपका चौथा वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी फलों का हम लोग बीज फल चोल खाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दसवां क्वेश्चन क्या है, दसवां क्वेश्चन है, समयुग्मकी पाई जाती है, समयुग्मकी पाई जाती है, इसका क्या आंसर होगा? दिया है शैवाल, अमृतवीजी, अनावृतवीजी, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर शैवाल। ठीक है, शैवाल में समयुग्मकी पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अंडप्रजक निम्नलिखित में से कौन है? सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। तो 11 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी में जो है अंडप्रजक निम्नलिखित में पाए जाते हैं सभी में। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 12 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? ठीक है, कौन सत्य फल पूछ रहा है 12 नंबर में? दिया सेब, नाशपाती, काजूला, नारियल। तो इसका जो ऑप्शन होगा नारियल, नारियल एक आपका सत्य फल है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्या है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? 13 नंबर में दिया है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, यहाँ पर है पेनिसिलियम और पारामीशियम दिया है, ईस्ट दिया है, इनमें से सभी में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में जो है मुकुलन द्वारा जनन होता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? ठीक है, मिथ्या फल कौन सा है, सेब, आम, केला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 14 नंबर का, यहाँ पर सेब वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया अभी, अब यहाँ पर अगला देखते हैं, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है जलकुंभी, कमल, अमीबा, सर्प में। देखिए तो इसका जो ऑप्शन होगा अमीबा, अमीबा में द्विखंडन जो है पाया जाता है। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं 16 नंबर, जिम्नोस्पर्म्स बनते हैं ठीक है, किसमें, हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, या फिर इनमें से सभी में। तो 16 नंबर का क्या आंसर होगा, ये होगा स्पंज में ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्टली बताता चलता हूँ, आप लोग दिमाग में बैठाते चलना, बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन देखें, तो लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, जिग्मेन कहलाता है, भ्रूणपोष कहलाता है, अध्यावरण कहलाता है, बीजचोल कहलाता है। देखिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन का, 17 नंबर है ठीक है, 17 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा बीजचोल, ये ऑप्शन सही है, डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन का क्या है आंसर, मतलब क्वेश्चन क्या है 18 नंबर, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। 18 नंबर देखेंगे तो बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, दिया है अपयुग्मन बात, या फिर अंग जनन कहते हैं, अनिषेक जनन है ठीक है, और या फिर डी वाला है इनमें से सभी। तो देखिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा अनिषेक जनन ठीक है, अनिषेक जनन जो है यह बिना निषेचन के फल निर्माण को कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें ठीक है, दिया है स्पॉन्ज का जूस्पोर, और पेनिसिलियम में जो जिम्यूलस, यहाँ पर सवाल में कोनोडिया दिया है, हाइड्रा की कालिका दिया है। तो उसमें सही चुनाव क्या करेंगे आप लोग 19 नंबर में, तो इसका जो ऑप्शन आप सही करेंगे वो होगा हाइड्रा की कालिका, ये ऑप्शन सही चुनाव होगा, डी ऑप्शन आप लोग सही कर लेना ठीक है। अब देखिए 20 नंबर क्या है, 20 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, एक स्ट्रेंजर्स में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि, यहाँ पर दिया है विकरे होते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, ईख के पौधे कोमल होते हैं, यह चोट को सहने में असमर्थ होते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन आप लगाएंगे, यह जो है चोट को सहने में असमर्थ होते हैं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग 21 नंबर, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होगा, द्विगृहित अवस्था को बनाने हेतु, या फिर यहाँ पर आइडेंटिटी यंग ओन्स के सृजन हेतु, या फिर विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, या फिर एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, द्विगृहित अवस्था को बनाने हेतु जो है इसका लैंगिक जनन जिम्मेदार होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, पुदीन मिंट काय की प्रवर्धन करता है, क्या मतलब, यहाँ पर दिया है अंत भ्रूस्तरी दिया है, ऊपरी भ्रूस्तरी दिया है, भ्रूस्तरी दिया है, या फिर प्रकंद दिया है यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 22 नंबर का वो हो जाएगा अंत भ्रूस्तरी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर में दिया है यहाँ पर, कुकुर डॉग का संभवती जीवन काल होता है कितने वर्ष का, 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, या फिर 5 वर्ष। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर या आपका हो जाएगा 20 वर्ष ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुकुर का जो है 20 वर्ष का संभवतः जीवन काल होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है शाक को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार के किए गए वृक्ष के फल किस पे मतलब निर्भर करेगा, शाक वृंत दोनों पर, उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसका जो ऑप्शन होगा शाक पर निर्भर करेगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर दिया है 25 नंबर में अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, कोशिका चक्र, अर्धसूत्र विभाजन कहते हैं, या फिर समसूत्र विभाजन कहते हैं, या फिर संयुग्मन कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 25 नंबर का ये हो जाएगा संयुग्मन कहते हैं, इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्या दिया गया है, में पत्तियों को खंडों द्वारा काय की प्रजनन होता है। तो यहाँ पर दिया एगियो एवं केलेचोय, या फिर बायोफिल्म एवं केलेचोय, या फिर एस्पेरगेप्स और बायोफिल्म दिया है, कायसेंथियम दिया है एवं एगियो दिया है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें जो है सही आएगा, तो जो आपका दूसरा है बायोफिल्म एवं केलेचोय, तो ये ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इसमें ठीक है, भर लेना आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन है, रात में खेलने वाला पुष्प साधारणतः हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंग वाले होते हैं, या फिर गच्छों में खिलते हैं। तो रात में जो फूल खिलते हैं यानी पुष्प खिलते हैं तो वह जो है छोटे होते हैं ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी कौन सा है, मुर्गी, सांप दोनों है, या फिर केंचुआ है ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें जो उभयलिंगी प्राणी होंगे ये होगा आपका केजुआ, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या है यहाँ पर देखेंगे, तो दिया गया है निम्न में से कौन द्विगणित संरचना है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से सभी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका युग्मनज, युग्मनज आपका संरचना है, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच अवस्था को कहते हैं क्या, जीवन काल, जीवन चक्र, कायकी अवस्था, सभी कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यह हो जाएगा जीवन काल, हम लोग उसे कहते हैं, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच तक जो भी अवस्था होती है उसे हम लोग जीवन काल कहते हैं। अगला देखेंगे 31 नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर में क्या है, 31 नंबर में देखने को मिल जाएगा आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं क्या, क्लोन और सोमा क्लोन कहते हैं, कासिम ड्रस, कासिम डस कहते हैं, या फिर साइब्रिड्स कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका पहला क्लोन, जिसे हम लोग क्लोन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन किया है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है, दिया गया है अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है, कुनोडिया, कलिका, या फिर जिम यूलस, या फिर द्विखंडन द्वारा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा द्विखंडन द्वारा जो है अमीबा का प्रजनन होता है। 33 नंबर है पेनिसिलियम में प्रजनन होता है किस प्रकार से, कलिका है, विखंडन है, जिमुलस है, या फिर कोनिडिया है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कोनोडिया, ठीक है, पेनिसिलियम का जो प्रजनन होता है कोनोडिया के माध्यम से, मतलब कोनोडिया के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए मासिक चक्र किसमें होता है, दिया गया है बंदर, कापी, कप दिया है, मानव दिया है, सभी दिया है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा चौथा, सभी में, ठीक है। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें ऑस्ट्रक्स साइकिल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर दिया है ऑस्ट्रक्स साइकिल नहीं होता है। तो इसका जो गाय, भेड़ा, या फिर बंदर, या फिर कुत्ता दिया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा आपका बंदर की, ठीक है। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है, दिया गया है फीता क्रीम दिया है, कुत्ता, जोंक, स्पंज दिया है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कुत्ता, कुत्ता जो है द्विलिंगी नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किसमें युग्म स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है, शैवाल, शिकागो, या फिर बायोफाइट्स कराया, या फिर टेरिडोफाइट्स, या फिर जिम्नोस्पर्म दिया है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म दिया हुआ है। तो अब देखते हैं इसमें जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म जो ऑप्शन सही है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं 38 नंबर, फ्रूट के विकास की क्रिया को कहते हैं क्या, दिया है विवोपरेओ, या फिर पार्थेनोजेनेसिस का, या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, या फिर स्पोरोजेनेसिस। देखिए चार ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पर ये हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किया 39 नंबर, युग्मक के संचयन को कहते हैं क्या, युग्मक के संचयन को हम लोग परागण कहते हैं, जीन गेमिंग, या फिर पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, या फिर स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका दूसरा, सिनगेमी, सिनगेमी किसी का कहते हैं, ठीक है, सिनगेमी किसी, ऑप्शन आपका वी वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं 40 नंबर, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है, दिया गया है तिलचट्टा, कुत्ता, गाय, केंचुआ, दिया गया है इसमें। तो अब ऑप्शन इसमें क्या सही होगा, ठीक है, इसमें जो ऑप्शन चौथा है यहाँ पर केंचुआ, ये आपका द्विलिंगी न एक लिंगी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 41 नंबर, मानव युग्मक के गुणसूत्र की संख्या है क्या, 21, 23, 44, 46। तो यहाँ मानव युग्मक के गुणसूत्र की संख्या कितनी है, वो है आपका 23, ठीक है, इसका दो जोड़ा होता है 23 यहाँ पर। देखिए अब अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, किसमें आंतरिक निषेचन होता है, मछली, उभयचर, शैवाल और आवृतबीजी, आवृतबीजी दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे 42 नंबर में जो क्वेश्चन का आंसर होगा आवृतबीजी, आवृतबीजी है, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन तक की क्रिया को वैल्यू विकसित होकर बीज बनता है जब, कार्पेल से क्या विकसित होता है, यहाँ पर दिया है आगे, ठीक है, ये देखिए पेरी स्पर्म दिया है, पेरिकार्प दिया है, टेस्टा दिया, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पेरिकार्प, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है, दिया गया सर्प, मुर्गी, घड़ियाल, मानव, ठीक है, इसमें देखेंगे क्या ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो रहा वो है मानव, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्पित खिलते हैं, मतलब एक ही बार जो अपने पूरे जीवन काल में फुलाता है, ठीक है, वो कौन सा चीज़ है? बांस, आम, लीची, जामुन। देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बांस, ठीक है। बांस जो एक ही बार पुष्पित होता है पूरा जीवन काल में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अब 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। 46 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्पित मतलब खिलते हैं, पुष्प लगते हैं? सूर्यमुखी, पीपल, नील, नीला कुरंजी दिया है या फिर नीम दिया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा नीला कुरंजी, यह जो है 12 साल में एक ही बार पुष्पित होता है। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, प्रकंद का एक उदाहरण है क्या दिया गया है? लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज। तो 47 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा अदरक हो जाएगा, ठीक है। प्रकंद का उदाहरण एक अदरक है। अगला देखेंगे 48 नंबर, कलिका रोपण उदाहरण है काय की? जनन का, उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का, प्रकीर्णन का? तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा आपका काय की जनन का, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है, ठीक है? दिया है मुकुलन, विखंडन, कोनिडिया या फिर जेम्यूलस, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका कोनिडिया, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? दिया गया है इसमें जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल, धान, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसका जो होगा ऑप्शन पहला जलकुंभी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गेमा द्वारा प्रजनन होता है उच्च श्रेणी के पौधों में, निम्न श्रेणी के जंतुओं दिशा में या फिर कुछ बायोफाइटा में या फिर स्तनियों में? तो इसका क्या ऑप्शन होगा? ये होगा कुछ बायोफाइटा में, ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक लिंगता के स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? समयुग्मक पर या फिर उभयलिंगी सराई पर या फिर एक लिंग सराई पर या फिर विषम युग्मक पर? तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 52 नंबर का, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक लिंगी सराई पर। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र या फिर बीजांड काय या फिर भ्रूणपोष या फिर भ्रूण दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ही हो जाएगा तीसरा, भ्रूणपोष, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 54 नंबर देखा है बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधों जैसे मार्स, फर्न, सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? स्पोरोफाइट्स में या फिर थैलोफाइट्स में या फिर क्रिप्टोगेम्स में या फिर बायोफाइट्स में? दिया क्या है इसका जो ऑप्शन होगा क्रिप्टोगेम्स में, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स, ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइकस में प्रागण होता है 3 कोश की अवस्था में, 4 कोश की अवस्था में, 2 कोश की अवस्था में, 1 कोश की अवस्था में? देखिए इसका जो ऑप्शन होगा ना ये होगा पहला 3 कोश की अवस्था में। 56 नंबर का देखते हैं, तो इसमें क्या देख रहा है क्वेश्चन, एंथिसिस का परिघटना धित है क्या है? तो यहाँ पर दिया है प्रागण निर्माण, वर्तिकान या फिर प्रागण का पहुंचना, प्रागण कोष का विकास, पुष्प कलिका का खुलना। तो देखिए यहाँ पर 56 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुष्प कलिका का खुलना जो है एंथिसिस का परिघटना के घित है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं 57 नंबर, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? दिया गया वॉकिंग फर्न, स्प्राउट, लीफ पौधा का या फिर मार्केस या दिया है मास दिया है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वॉकिंग फर्न दिया है, वॉकिंग फर्न जो ऑप्शन पहला हुआ सही हो जाएगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, आलू के कंद में आंखें होती हैं, पुष्प कलिकाएं, आर प्रोहर कलिकाएं, कचस्थ कलिकाएं, मूल कलिकाएं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसे हम लोग कचस्थ कलिकाएं कहते हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, 59 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी सराई होता है, मार्केनेशिया, फिर पाइनस या फिर साइकस, पपीता, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा पाइनस, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक लिंगी है दिया गया है, निम्न में से कौन एक लिंगी है, सरसों, उड़हुल दिया है, पपीता दिया, इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पपीता। तो आज के वीडियो में ही कुछ 60 क्वेश्चन को मैंने कवर किया हुआ है वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इस चैनल पर आपको ऐसे सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।